नमस्कार दोस्तों, विनीत एग्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि पार्ट वन में आपने देखा, मतलब जो हमने सीरीज चालू किया है बजरी तोते पालने की शुरुआत, मतलब खरीदी से लेकर ब्रीडिंग तक ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने पार्ट वन में जो आपको बताया कि हमने जैसे बर्ड जिस तरह से खरीदे और घर खरीदने के समय क्या क्या देखना है और घर लाने के बाद उनके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट किया है, ये आप पार्ट वन में दिखाया था। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बर्ड पूरी तरह स्वस्थ हो गए और कलर शाइनिंग वगैरह सब अच्छा हो गया, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए था बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया ख़त्म होने के लिए या बाकी जो भी बीमारी रहती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अभी हमारे बर्ड पूरी तरह हेल्दी हो गए, मतलब 10 दिन का पीरियड हो गया। 10 दिन में हमने जो जो ट्रीटमेंट किया वो पहले पार्ट वन में दिखाया ही है। अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में हम दे देंगे, उसको आप देख सकते। तो आज जो बारी है, आज मतलब इनको एक प्रॉपर केस देने की ज़रूरत है। जो नया बिगनर्स जो बर्ड लवर बर्ड्स लाते हैं और उनको जो फिर ब्रीडिंग लेना है तो कौन सा केस होना चाहिए, इसलिए हमने केस भी बना लिया है। तो केस जो है, तो हमने जो केस बनाया, ये केस बनाया और ये केस जो है 4x2x2 का है, 4 फुट, मतलब को आड़ा रखेंगे। तो आड़ा रखने से तो ये केस का साइज़ जो है ये 4x2x2 फीट का है और इसमें 2 डोर भी दिए और बीच में एक बैठने के लिए स्टिक भी लगाना था, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पास एक कॉलोनी खाली पड़ी है जो 6x6x6 का है। अगर बर्ड को, कोई भी बर्ड को फ्लाइंग के लिए अच्छी जगह रहेगी तो अच्छा हेल्दी रहता है। तो इसलिए हमने मतलब केस बना लिया, सब कर लिया, क्योंकि ये जो केस है 4x2x2 का ये सफिशेंट होता है 5 पेयर बर्ड ब्रीडिंग के लिए। और जो भी नया बर्ड लवर है वो 4-5 पेयर से ही स्टार्ट करता है। तो जब बर्ड बढ़ जाते तो उसमें ये केज में ये है कि बाकी भी बर्ड बढ़ने के बाद भी आ सकते हैं, मतलब आराम से 10-12 पेयर आ सकते हैं, लेकिन 5 पेयर रखोगे तो उनके फ्लाइंग के लिए भी अच्छी जगह रहेंगी और सब ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन हमने जो ये केज बनाया था, डिसाइड किया था, लेकिन हमारे पास एक कॉलोनी खाली है, तो हम आपको कॉलोनी दिखा दें। तो हमारे पास जो कॉलोनी है, जो केस खाली पड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है, 6x6 हाइट इसकी 6 फीट है, 6-7 फीट है और लेंथ में और डीप में 6-6 फीट है, मतलब ये बोल सकते कि 6x6 का केज है। और इसी अगर बड़ा केस मिल गया बर्ड को, कोई भी बर्ड को, तो अच्छी फ्लाइंग करता है और हेल्दी रहता है, क्योंकि छोटे मोटे वायरस जो रहते हैं वो अगर बर्ड हेल्दी रहा तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और योगा हमारे पास केस खाली है, कॉलोनी खाली, इसलिए हम ये कॉलोनी में छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद दिखाते हैं। अभी तो 5 ही पेयर है, वो तो पता ही नहीं चलेंगे कौन से कोने में जाके बैठेंगे, लेकिन फिर भी बर्ड को छोड़ के हम फिर वीडियो को दिखाते। तो हम धीरे धीरे पूरे बर्ड को छोड़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि बर्ड का साइज़, कलर। अभी थोड़ा रात का समय हो रहा है, 6 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है, और मतलब जो कैमरा का फोकस होना चाहिए वो हो नहीं रहा। लेकिन पूरे बर्ड को कॉलोनी के अंदर छोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कैसे बैठते हैं, कैसे दिखते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोने में या स्टेयर केस के नीचे अगर जगह हो तो 6x6 फीट का हमने केस बनाया, तो आप भी बना सकते हैं। एग्जीबिशन बर्ड है, देखिए टेम जैसा ही है, काटा नहीं उसने बिल्कुल ही। हमने जिस तरह से बर्ड लिए वो पूरे अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग लिया, क्योंकि नए बिगनर्स जो होते हैं वो उनको तो बर्ड के बारे में जानकारी नहीं रहती, म्यूटेशन के बारे में जानकारी नहीं रहती, वो तो खाली कलर देख के ही बर्ड लेते हैं। उसी तरह से हमने कलर बर्ड लिए। अभी ये देखिए, ये वाइट कलर का है, कि बर्ड को छोड़ते तब तक हम हमारी पुरानी कॉलोनी दिखा देते, नहीं तो आप बोलोगे कि बाकी बर्ड कहाँ गए। बाकी बर्ड तो हमारे पास यही की यही है। अभी आप देख रहे हैं कि सभी ब्रीडिंग में और बहुत सारी फीमेल्स जो मटकियों में बैठी है, इसलिए आपको थोड़ी कम दिख रही है। अभी देखिए पूरे बर्ड बाहर निकल गए। अभी ये जैसे केस बड़ा होने की वजह से कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी 5 पेयर है, 10 बर्ड है, तो आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, जैसे एग्जीबिशन वाला बर्ड है ये।
इस तरह से अभी हमने पूरे बर्ड को कॉलोनी के अंदर छोड़ दिया। अब बाकी बात आती है कि इनको मटिया कब दे। बहुत सारे जो न्यू बिगनर्स रहते हैं केजिया कॉलोनी में बर्ड छोड़ने के बाद तो मटकियाँ प्रोवाइड कर देते, लेकिन मटकियाँ वैसी मटकियाँ नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि बर्ड को अगर मटकियाँ दे दिया तो वो डर के मारे में भी मटकियों में बैठने की कोशिश कर सकता है, और उनको फिर जो मटकी है ब्रीडिंग के लिए तो कम लेकिन छुपने के लिए ज़्यादा ही समझ में आती है। इसलिए मटकियाँ बिल्कुल नहीं देना है, मटकियाँ कब देना है और कौन सी कंडीशन में देना है इसके ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे। तो अभी पहले तो ये बता देते कि इनको जो डाइट में है, डाइट में सीड मिक्स देना है, सॉफ्ट फूड देना है, और जो मेडिसिन है मतलब मटकियाँ देने के पहले जो मेडिसिन दी जाती है, तो हम अभी इसको कल से ही वैमरल का कोर्स चालू करेंगे। कम से कम हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन, 2 दिन गैप देंगे और फिर अगले हफ्ते फिर कैल्शियम का डोज देंगे जो ऑस्ट्रोवेट आता है। तो आपको भी पता है, सभी लोगों को पता है, लेकिन जो देने का तरीका होता है वो सही तरीका ये है कि पहले वैमरल दे दो 4-5 दिन। अभी नए बर्ड है, इनको कोई मेडिसिन नहीं दी है, इसलिए 4 से 5 दिन दे सकते हैं। और अगले हफ्ते कैल्शियम का डोज मतलब ऑस्ट्रोवेट करना है, उसके बाद फिर इनको मटकियाँ प्रोवाइड करेंगे और अगला वीडियो आपको मिल ही जाएगा अगर तो। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। जैसे कि हमने नए बर्ड है ये कॉलोनी में छोड़ दिया, और हमारी जो पुरानी कॉलोनी है, पुरानी कॉलोनी में तो आपको पता ही है, हर एक वीडियो में देखते हैं आप, लेकिन पुरानी वीडियो पुरानी कॉलोनी भी दिखा देते कि क्या चल रहा है। तो अभी देखिए बहुत सारी फीमेल्स तो मटकियों में बैठी है, और बहुत सारी मेल्स जो है मैक्सिमम मेल्स बाहर ही बैठे, इसलिए बड़े बर्ड कम दिख रहे, और कुछ बच्चे भी निकलना चालू हो गए। वो जो दो नीचे दिख रहे हैं वो छोटे बच्चे हैं। जब ये सेल्फ फीड हो जाते हैं तभी हम इनको कॉलोनी के बाहर निकालते हैं, तब तक इनको ऐसे रहने देते क्योंकि इनके पेरेंट्स इनको दाना खिलाते रहते। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो चैनल का लोगो दिख रहा है वहाँ आप क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो अगर पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे या इसका ही जो पार्ट 1 है ये वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप एंड स्क्रीन में 2 वीडियो दिख रहे हो उसमें से एक वीडियो को क्लिक करके भी आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।